हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ अमित शर्मा, मैं आपका जूलॉजी टीचर और मैं आज फिर से आपको डिस्कस करूंगा जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम में जो हमने अभी तक पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा, कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात किया था हमने स्टार्टिंग में, और उसके बाद हम लोगों ने मूव किया था जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें अलग अलग तरीके से किस तरीके से हमने जो है एनिमल्स को डिवाइड किया है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में या डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका जो है सिमेट्री, ओके, लास्ट क्लास में। तो सिमेट्री तक डिस्कस करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था वो कौन सा था, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के केस में हम लोग क्या देखेंगे, डिप्लोब्लास्टिक मतलब होता है डिप्लो मतलब डाई, डाई मतलब दो, ब्लास्टिक मतलब जो ब्लास्टुला, यानी कि दो जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो लेयर बनी हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलेंगे। यानी कि डेवलपमेंटल पीरियड के टाइम पे दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स वो हो जाएंगे, जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सिलेंट्रेट्स, ओके, सिलेंट्रेट्स या पोरीफेरेंस, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो है इसमें एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोग्लिया। तो ये वो मेसोग्लिया होती है वो प्रेजेंट होती है किसके बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, ठीक है। तो ये एक अनडिफ्रेंशिएटेड जो है मास ऑफ लेयर होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोग्लिया बोल देते हैं। अब उसके बाद में जो दूसरी बात आती है वो आती है ट्रिप्लोब्लास्टिक की। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें थ्री एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स होती हैं और उनको हम लोग देखें तो आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्म एंड इनर एंडोडर्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एग्जाम्पल हो जाएंगे फ्रॉम प्लैटीहेलमेंट्स टू कॉर्डेट तक, ठीक है। तो इन सब सारी बातों को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, लास्ट में हमने सिमेट्री पे छोड़ा था, नेक्स्ट हमारा हेडिंग था डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग डिप्लोब्लास्टिक से। तो यहां पे हम लोग देखेंगे डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऐसे एनिमल्स हैं, अभी मैंने पहले भी बोला कि एनिमल्स पजेसेस टू मेजर एम्ब्रियोनिक लेयर। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे एनिमल्स पजेसेस टू एम्ब्रियोनिक लेयर। और वो लेयर्स बेटा कौन सी होंगी, एक तो आपका आउटर एक्टोडर्म होगा, तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग आउटर एक्टोडर्म, और अगर हम लोग बात करें इनर साइड में तो इनर साइड में क्या होगा, इनर एंडोडर्म। ठीक है, तो दो लेयर प्रेजेंट हैं आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म, ठीक है। अब इन दोनों लेयर्स के बीच में हम लोग क्या देखेंगे, एक और जो है अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेसोग्लिया। तो एक और लेयर हम लोग यहां पर लिख लेंगे अलग से, यहां पे मेसोग्लिया। तो मेसोग्लिया क्या होता है, मेसोग्लिया क्या है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ओके, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एंड मेसोग्लिया इज द अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ लेयर। तो यहां पर लिख लेंगे मेसोग्लिया इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ लेयर, ठीक है।
तो अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर है या जो लेयर्स है उस मास में वहां पर प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलेंगे। अब इसमें एग्जाम्पल आ जाता है, एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखेंगे इसके, तो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं सिलेंड्रेट्स, ठीक है, पोरीफेरेंस भी आते हैं, तो यहां पर आप लिखना चाहो ऊपर लिख लेना पोरीफेरा। और उसके बाद एक और आपका फाइलम होता है, उसको हम लोग होते हैं टीनोफोरा। तो ये सब कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। हालांकि टीनोफोर्स को कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मिजोग्लिया है वो डिफरेंशिएटेड लेयर्स की जगह, वहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड लेयर्स की जगह पे डिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होती हैं। ये मतलब रिसेंट स्टडी में है, अदरवाइज हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको डिप्लोब्लास्टिक ही मानते हैं, ठीक है। अब देखो इसका डायग्राम अगर आप बनाओ, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा हमें। हम अगर कट करें उसको स्ट्रक्चर को, है ना, जब डेवलपमेंटल कंडीशन के स्टेज पे, तो वहां पे हम लोग देखेंगे बाहर की तरफ एक लेयर होगी, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे एक्टोडर, ओके। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एक अंदर की तरफ जो है क्या होगा, एक लेयर होगा, और उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इट इज द एंडोडर, ठीक है। तो यहां पर लिख लो आप लोग, यहां पर देख लो, ये इस तरीके से एक लेयर और होगी, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इस वाली लेयर को, इट इज द एंडोडर, ठीक है। उसके अलावा हमने बोला था कि यहाँ पे क्या होता है, मिजोग्लिया टाइप का अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिजोग्लिया। तो मिजोग्लिया के केस में देखो आप, ये एक्टोडर्म होगा, ये एंडोडर्म होगा, इसके बीच में जो पार्ट होता है अनडिफरेंशिएटेड, है ना, ये वाला यहाँ, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये वाला जो पार्ट हमें दिख रहा है, इसको बोल सकते हैं मीजोग्लिया, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें दो जर्म लेयर्स हों, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स हों, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो उसको हम लोग किसमें रखेंगे, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में रखेंगे, क्लियर है बेटा। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक यहाँ पर दो लेयर्स थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक में कितनी लेयर्स हो जाएंगी, तीन लेयर हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखो डिप्लो की जगह हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक के केस में हम लोग देखेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक के केस में हमने बोला कि एनिमल्स पजेस, यहाँ पर टू की जगह क्या हो जाएगा, थ्री इम्ब्रियोनिक लेयर्स, ठीक है। कितनी लेयर्स हो जाएंगी, थ्री इम्ब्रियोनिक लेयर्स हो जाएंगी। आउटर एक्टोडर्म हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा इनर जो होगा वो एंडोडर्म हो जाएगा, और इसके अलावा एक और लेयर हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीजोडर्म, ठीक है, क्या बोलेंगे, मीजोडर्म। तो इसको इरेज कर देंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे मिडिल मिडिल में क्या आ जाएगा बेटा, मीजोडर, ठीक है। यानी कि एनिमल के पास थ्री एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं, आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मीजोडर्म एंड इनर एंडोडर्म, ठीक है। अब आप लोग देखो इनके एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स में हम लोग देखेंगे फाइलम प्लैटीहेलमिन से, कहां तक, कॉर्डेटा तक, तीनों के केस में हम लोग देखेंगे यहां पे, सॉरी ये पूरा जो फाइलम है प्लैटीहेलमिन्स, तो कॉर्डेटा, इसके केस में हम तीनों जर्म लेयर जो है देखने को मिलेगी, जो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर है, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म एंड मिडिल मीजोडर्म, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अब देखो इसमें क्या था, एक्टोडर्म था, मीजोडर्म था। अब यहाँ पे हमें मीजोग्लिया नहीं चाहिए, मीजोग्लिया की जगह पे यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एक लेयर देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीजोडर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मीजोडर्म। तो इस वाली लेयर को हम लोग अब क्या बोलेंगे, मीजोग्लिया नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मीजोडर्म, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तीन लेयर हो गई, ठीक है, ये वाला लेयर क्या हो गया आपका,
ठीक है। तो ये वाला मेसोडर्म हो गया आपका, ये वाला लेयर जो था ये आपका जो है एंडोडर्म हो गया, है ना, ये वाला लेयर, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, ये गट है, गट का ल्यूमेन यानी कि ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन जो है ना, इंटेस्टाइन अगर हम लोग देखें तो ये गट वाला पोर्शन है, गट मतलब इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये वो वाला पोर्शन हो जाएगा जिसको हम लोग बोल देंगे कि ये क्या है, डाइजेस्टिव कैविटी है। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग, क्या लिख सकते हो, डाइजेस्टिव कैविटी, क्लियर है। तो मैंने सारी बातें यहाँ पर डिस्कस कर ली, और जो है आप लोग अब इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जो दूसरा जो हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसकी बात करेंगे। तो डिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक के बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज द सीलोम। अब बात आती है सीलोम होता क्या है। तो सीलोम क्या है, सीलोम इज द मेसोडर्मली लाइंड कैविटी बिटवीन द गट वॉल एंड द बॉडी आउटर बॉडी वॉल, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे सीलोम क्या है, सीलोम इज द मेसोडर्मली लाइंड कैविटी बिटवीन द गट वॉल एंड बॉडी वॉल, ओके। सो सीलोम इज द मेसोडर्मली लाइंड कैविटी बिटवीन द गट एंड गट वॉल एंड द बॉडी वॉल। इसका मतलब क्या हुआ कि सीलोम एक ऐसा कैविटी है जो कहाँ प्रेजेंट है, गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दैट इज द सीलोम, या हम लोग सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं द स्पेस बिटवीन द गट वॉल एंड बॉडी वॉल, ठीक है। अब इसको हम समझेंगे, कैसे समझेंगे और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने देखा सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है हमारी बॉडी में उसको हमने नाम दे दिया क्या, स्किन, ठीक है। बाहर की तरफ क्या होगा, स्किन। ये कैसे डिराइव्ड होगी, एक्टोडर्मली डिराइव्ड, कैसे डिराइव्ड है, एक्टोडर्मली डिराइव्ड। इसके आगे जब बढ़ेंगे स्किन के नीचे तो हम लोग क्या देखेंगे, वहां पर मसल्स का जो है बंडल देखेंगे या मसल्स का जो है पैचेस देखेंगे। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहां पर ये रेड पेन से हमने क्या बना दिया, मसल्स। और मसल्स आपको पता है कैसे डिराइव्ड होते हैं, मसल्स दे आर मेसोडर्मली डिराइव्ड, कैसे डिराइव्ड होते हैं, मेसोडर्मली डिराइव्ड, ओके, यानी कि मेसोडर्मली वो डिराइव्ड होते हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहां पर, अगर आप बात करो, ये हमने मान लिया कोई गट वॉल, या ये गट है, इंटेस्टाइनल पार्ट है, ठीक है, ये ल्यूमेन हो जाएगा इंटेस्टाइन का ल्यूमेन, ओके। तो यहां पर इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज द गट वॉल, कौन सा वॉल है, गट वॉल है, गट वॉल का मतलब इंटेस्टाइन का वॉल। और ये इसका जो लाइनिंग अगर हम देखें तो ये कैसा होता है, एंडोडर्मली डिराइव्ड होता है, कैसे डिराइव्ड होता है, एंडोडर्मली डिराइव्ड होता है, क्लियर है। अब हमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि यहां पर ये जो बॉडी वॉल है, ये वाला पोर्शन बॉडी वॉल हो गया हमारा, और ये वाला हमारा क्या है, गट वॉल है, और इनके बीच में जो स्पेस है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दैट इज द सीलोम, क्लियर है, क्या बोलेंगे, सीलोम। तो सीलोम को हमने क्या बोला, सिंपली क्या बोला हमने कि द स्पेस बिटवीन द गट वॉल एंड बॉडी वॉल, इसको हम लोग बेटा क्या बोल देंगे, बॉडी वॉल, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, गट वॉल, और इसके बीच में जो स्पेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द सीलोम, ठीक है। अब सीलोम में देखो एक बात और यहां पर याद रखना है हमें, वो क्या है, जो सीलोम है उसमें सीलोमिक फ्लूइड भरा हुआ होता है। यहां पे क्या होगा, ये जो हमने डॉटेड स्ट्रक्चर बनाया ये क्या है, सीलोमिक फ्लूइड, ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं टाइप्स की। तो सबसे पहले देखते हैं जो एनिमल्स होते हैं इनमें, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें सीलोम प्रेजेंट ही नहीं होता, तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं,
ए सिलोमेट, क्या बोलेंगे, ए सिलोमेट या ए सिलोमिक। ए सिलोमेट का मतलब क्या है, यहां पर सिलोम अब्सेंट होगा, तो यहां पर लिख लेंगे हम सिलोम अब्सेंट। समझ में आई बात। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहां पर। एग्जाम्पल्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लैटी हेलमेंट्स। तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, पोरीफेरा से लेके पोरीफेरा टू कहां तक, पोरीफेरा से लेके कहां तक, प्लैटी हेलमेंट्स तक। ये सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे हैं, एसिलोमिक। इसके बाद दूसरे जो एनिमल्स आते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, वो कौन से हैं आपके, स्यूडोसिलोमिक। ठीक है, कैसे इंडिविजुअल होंगे, स्यूडोसिलोमिक। स्यूडो मीन्स क्या होता है, फॉल्स। सिलोमिक मतलब स्पेस बिटवीन द गट वॉल एंड बॉडी वॉल। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें फॉल्स सिलोम पाई जाती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर द स्यूडोसिलोमिक। तो इसमें एग्जाम्पल्स लिख लो आप लोग, अभी मैं आगे थोड़ा डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, एसके हेलमेंट्स। ठीक है, तो उनको हम लोग बोलेंगे स्यूडोसिलोमेट या स्यूडोसिलोमिक इंडिविजुअल्स। अब तीसरा जो बात आता है वो किसका आता है, सिलोमिक इंडिविजुअल्स, है ना। तो सिलोमिक इंडिविजुअल्स कैसे होते हैं उनकी हम लोग बात करेंगे, जो ट्रू सिलोमिक होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, ट्रू सिलोमिक होते हैं। तो यहां पे नेक्स्ट हम लोग लिख लेंगे सिलोमेट। सिलोमेट यानी कि यहां पर ट्रू सिलोम प्रेजेंट होगी, या यू सिलोमेट भी बोलते हैं इनको। ठीक है, क्लियर है। अब सिलोमेट या यू सिलोमेट अगर बात करो आप लोग, दो पार्ट में डिवाइड होंगे। ठीक है, सिलोमिक इंडिविजुअल ही इसलिए इनको सिलोमेट बोल रहे हैं। ठीक है, ये भी सिलोमिक है, लेकिन सीडो सिलोमिक। सिलोमेट में, यू सिलोमेट में हम लोग देखेंगे एक इंडिविजुअल होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं साइजोसिलोमिक, और दूसरे जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एंटेरोसिलोमिक। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग सीजोसिलोमिक, और दूसरे जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटेरोसिलोमिक। ठीक है, सीजोसिलोमिक एंड एंटेरोसिलोमिक। अब इनके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब हम बात करते हैं सीजोसिलोमिक की, तो आप लोग ऐसे याद रखो इसको, आम, आम खाते हो ना, तो आम याद रखो आप लोग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए फॉर क्या हो जाएगा आपका, एनेलिडा, दूसरा ए फॉर क्या हो जाएगा, आर्थोपोडा, और नेक्स्ट एम फॉर मोलस्का। तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एनेलिडा, उसके बाद आर्थ्रोपोडा, आफ्टर दैट मोलस्का। ठीक है, तो ये हो गया आम, आम खाइए, है ना, सही वाले आम खाइए, है ना। तो साइनी आम ऐसे याद कर लो, तो साइजोसिलोमिक याद रहेगा। एंटेरोसिलोमिक की बात करते हैं। एंटेरोसिलोमिक ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें हम लोग देखेंगे फ्रॉम इकाइनोडर्मेटा टू कॉर्डेटा। ठीक है, यानी कि यहां पे क्या होगा, आप लोग ऐसे याद रख सकते हो इसको कि यहां पे क्या हमको देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल इसके, सॉरी, इकाइनोडर्मेटा, और इकाइनोडर्मेटा के बाद क्या आएगा आपका, इकाइनोडर्मेटा के बाद क्या आएगा, हेमिकॉर्डेटा। आप सबको ये सारी बातें पता है, और हेमिकॉर्डेटा के बाद क्या आएगा आपका, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटेरोसिलोमिक बोलेंगे। अब आप याद करो, दो बातें मैंने बताया था, एक था प्रोटोस्टोम्स और दूसरे थे ड्यूटेरोस्टोम्स। क्या थे, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। तो प्रोटोस्टोम्स में हम लोग देख रहे थे वहां पे क्या हो रहा था,
सबसे पहले फॉर्मेशन माउथ का हो रहा था, उसके बाद क्या हो रहा था, एनस का फॉर्मेशन हो रहा था। और एंटेरोसिलोमिक में कौन किसका फॉर्मेशन हो रहा था, पहले एनस का हो रहा था, आफ्टर दैट द माउथ। तो यहां पर ये वाले जो इंडिविजुअल्स हैं इनको हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, सीजोसिलोमिक जो इंडिविजुअल हैं वो क्या है, प्रोटोस्टोम्स हैं। समझ में आई बात, इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये इंडिविजुअल कैसे हैं, दे आर द ड्यूटेरोस्टोम्स। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्यूटेरोस्टोम्स। समझ में आया, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं यहां पर, इनको आप लोग याद रखना, ड्यूटेरोस्टोम्स, ये सारी बातें हैं आप लोग इनको याद रखना। आगे हम लोग देखते हैं कि स्पेसिफिक टाइप का भी सीलोम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हीमोसीलोम, ठीक है। तो ये जो हीमोसीलोम होता है ये क्या होता है, अगर आर्थ्रोपोडा और मोलस्कंस में, कुछ मोलस्कंस की बात करें तो वहां पर जो है सीलोम हम लोग देखेंगे वो फील्ड रहता है ब्लड से, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीमोसीलोम, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, ये एक अलग से है, आप समझ लीजिए एडिशनल है, ठीक है। तो इसको हम उसमें लिख लेंगे एक बॉक्स में, हीमोसीलोम, ठीक है। क्या बोलेंगे, हीमोसीलोम। तो इसमें लिख लो, इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कन आ ब्लड फील्ड कैविटी और सीलोम प्रेजेंट, ठीक है। तो इस सीलोम में क्या होगा, जो ऑर्गन्स होंगे वो सब जो है क्या रहेंगे, बाथेद रहेंगे, उसी में पड़े रहेंगे, चारों तरफ से उनके ब्लड प्रेजेंट होगा। तो ऐसे इसीलिए हमने बोला कि आर्थ्रोपोडो मोलस्का जो होंगे उनमें जो सीलोम होगी वो कैसे फील्ड होगी, ब्लड से फील्ड होगी, और उनको हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर द हीमोसीलोमी, क्लियर है। तो वही मैंने लिखा, इन आर्थ्रोपोड मोलस्कन ऑफ ब्लड फील्ड कैविटी और सीलोम प्रेजेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज, क्या बोलेंगे उसको, हीमोसीलोम। और ऐसे एनिमल्स को क्या बोलेंगे, हीमोसीलोमिक, ठीक है। तो नोट करिए आप लोग, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ, सीजोसीलोमिक और एंटेरोसीलोमिक। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जो पहले हमारे एनिमल्स थे वो कौन से थे, एसीलोमिक या एसीलोमेट, ठीक है, जो भी आप बोल दो, कैसे थे ये, एसीलोमेट, जिनमें सीलोम एब्सेंट थी। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे सीधा, द एनिमल्स इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर नोन एज द एसीलोमेट्स, ठीक है। तो इनके बीच में कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखो यहां पर हमने बोल दिया ये इसका एक्टोडर्म है, ठीक है, यहां पे एक्टोडर्म हमने बना दिया इस तरीके से, पूरे में मैं नहीं बना रहा हूं, ठीक है, आप लोग समझ जाओगे ऐसे ही, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, बाहर का जो लेयर होगा इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इट इज द एक्टोडर्म, ठीक है, क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म, ठीक है। उसके बाद हमने बोला कि इसमें क्या सीलोम अब्सेंट है, ठीक है, तो यहां पर हमें देखने को क्या मिलेगा, सीलोम तो प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लिया प्लैटीहेलमिंथ्स का हमने लिया, डिप्लोब्लास्टिक हैं, दो लेयर तो प्रेजेंट है उनके पास, तो दूसरा लेयर क्या हो जाएगा आपका, एक्टोडर्म के बाद में यहां पर हमने देखा यहां पर कौन सा लेयर होगा, एंडोडर्म, ठीक है। तो एंडोडर्म हम लोग यहां पर देख लेंगे इस तरीके से, ये वाला जो पोर्शन है इसको एंडोडर्म बोल दो, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोडर्म, ठीक है। और यहां पर ये हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां पर इसके केस में यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा गट, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका गट, तो
तो ये गट का ल्यूमेन हो जाएगा, ये स्पेस जो है क्या है, गट ल्यूमेन। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या देखना हूं, कोई स्पेस दिख रहा है, कैविटी कोई दिख रही नहीं दिख रही, तो ये कैसे हो जाएंगे, एसिलोमेट हो जाएंगे। एग्जाम्पल लिख लो इसमें, बहुत सारे भी पीछे भी बताया मैंने, लेकिन यहां पे मैं एक लिखे दे रहा हूं, प्लैटी हेलमेंट्स। ठीक है, अब आते हैं बेटा सिलोमेट के बाद में, ए सिलोमेट के बाद में सीडोसिलोम। तो यहां पर हम लोग देखेंगे दूसरा जो हमारा टॉपिक वो कौन सा है, सीडो सिलोमेट या सीडोसिलोमिक। सीडोसिलोमिक इंडिविजुअल्स में देखेंगे हम लोग जो मीजोडर्म होगा वो प्रेजेंट होगा एज अ स्कैटर्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म हमेशा कैसा होगा, स्कैटर्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा, और ऐसे सिलोम को हम लोग बोल देंगे जो है सीडोसिलोम। तो लिख लेंगे यहां पर मीजोडर्म प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन स्कैटर्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्कैटर्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर में कौन प्रेजेंट होगा, यहां पे कौन प्रेजेंट होगा आपका, मीजोडर्म। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका देखेंगे सीडोसिलोम का, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा आपका, एसके एलिमेंट। या इनको हम लोग बोलते हैं राउंड वर्म्स। ठीक है, अगर डायग्राम इसका हम लोग ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से डायग्राम दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे में हमको ये लेयर दिखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसको हम लोग बाहर वाली लेयर को क्या बोल देंगे, एक्टोडर्म। क्या बोल देंगे, एक्टोडर्म। ठीक है, उसके बाद देखो एक्टोडर्म में अगर हम लोग देखें इसके बाद में क्या हमें देखने को मिलेगा, एक्टोडर्म के बाद क्या आएगा, मीजोडर्म। तो मीजोडर्म जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, स्कैटर्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होगा, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना हुआ होगा। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिल रहा है, इसका स्ट्रक्चर रेड पेन से मैंने बनाया, ये कैसा दिख रहा है, स्कैटर्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर में दिख रहा है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे मीजोडर्म प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है। दूसरा, अब अंदर की तरफ हम लोग देखेंगे, तो अंदर की तरफ जब जाएंगे हम लोग तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां पर ये वाला पोर्शन हमें देखने को मिलेगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गट, है ना। तो यहां पर हम लोग देख लेंगे, इसको लिख देंगे ये क्या हो गया आपका, गट हो गया। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन होगा इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एंडोडर्म। ठीक है, तो इस तरीके के एनिमल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सीडोसिलोमिक एनिमल, जिसमें मीजोडर्म जो होगा स्कैटर्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होगा और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होगा। ठीक है, राउंड वर्म में जो जो आपका कैविटी होता है वो कभी मीजोडर्म से लाइन नहीं होता है, तो ये बात भी आप याद रखना, क्वेश्चंस में एज इट इज मिलेगा आपको। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि इन राउंड वर्म्स बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय द
मीजोडर्म, चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, मैं भी लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, मीजोडर्म ऐसे लिख लेंगे, बॉडी कैविटी नॉट लाइंड बाई मीजोडर्म, राउंड वर्म के केस में हमें क्या देखने को मिलेगा कि वहां पर जो बॉडी कैविटी होगी वो कभी भी मीजोडर्म से लाइन नहीं होगी, ठीक है, तो नोट करिए। उसके बाद हम लोग ट्रू सिलोमिक जो इंडिविजुअल्स हैं उसकी बात करते हैं वन बाय वन। तो तीसरा जो हमारा पार्ट था वो कैसा था, यू सिलोमिक, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे हेडिंग यू सिलोमिक, या इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू सिलोमिक एनिमल्स। ट्रू सिलोमिक एनिमल्स जो हैं उनमें हम लोग देखेंगे ट्रू सिलोम, यू मतलब ट्रू, तो यहां पर लोग लिख लो आप लोग ट्रू, सिलोमिक मतलब सिलोम बियरिंग एनिमल्स, तो यहां पर ट्रू सिलोम देखने को मिलेगी। तो ट्रू सिलोम क्या है, द ट्रू सिलोम इज द बॉडी कैविटी विच अराइजेज एज अ कैविटी इन एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे पहला पॉइंट हमारा ट्रू सिलोम इज द बॉडी कैविटी इज द बॉडी कैविटी ओके विच अराइजेज which arises as a cavity in embryonic mesoderm, clear है सभी को इतनी बात। अब देखते हैं इस केस में क्या होगा कि मीजोडर्म जो होगा इम्ब्रियो का वो एक जो है सेलुलर लाइनिंग प्रोवाइड करेगा जिसको हम लोग बोलेंगे सिलोमिक एपिथेलियम या इसको हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियम, ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे इन क्या बोलेंगे इन दिस केस मीजोडर्म ऑफ द मीजोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो प्रोवाइडेड क्या प्रोवाइड कराएगा अ सेलुलर लाइनिंग और उस लाइनिंग को हम लोग क्या बोलेंगे इट इज द सिलोमिक एपिथेलियम, तो इसको क्या बोलेंगे इट इज कॉल्ड एज सिलोमिक एपिथेलियम या इसको हम लोग बेटा दूसरा नाम क्या दे सकते हैं इट इज आल्सो नोन एज द पेरिटोनियम, ठीक है, क्या बोल देंगे और इट इज आल्सो नोन एज द पेरिटोनियम। तो यहां पर हम देखेंगे जो सिलोमिक फ्लूइड होगा वो जो है कौन सिक्रीट करेगा ये जो पेरिटोनियम लेयर होगा या जो सिलोमिक एपिथेलियम होगी वो रिलीज करेगा, तो यहां पर हम नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे सिलोमिक फ्लूइड सिक्रीटेड फ्रॉम कहां से सिक्रीट किया जाता है सिलोमिक एपिथेलियम और पेरिटोनियम, ठीक है, देखो यहां पे अगर हम लोग देखें ये हमने एक डायग्राम बनाया था ना अभी रफली मैं फिर से बना दे रहा हूं, यहां पे क्या होगा ठीक है ये सिलोमिक एपिथेलियम मान लिया हमने यहां पर होगा ऐसे, ठीक है ये हमने मान लिया क्या है सिलोमिक एपिथेलियम। अब सिलोमिक एपिथेलियम में देखो क्या करेंगे ये सेल्स हैं एपिथेलियल सेल्स, तो ये सेल्स क्या करेंगे दे रिलीजेस द सिलोमिक फ्लूइड, क्या रिलीज करेंगे ये
सिलोमिक फ्लूइड को रिलीज करेंगी। समझ में आई बात? यहाँ पे क्या होगा, जो ये सिलोमिक एपिथेलियल सेल्स थी या पेरिटोनियम जिनको बोल रहे हैं, वो क्या रिलीज करेंगी? सिलोमिक फ्लूइड रिलीज करेंगी। अब ये तो कैविटी है ना पूरा, ये वाला कैविटी है ना, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो कैविटी है, ये सेल्स हैं एपिथेलियल सेल्स यहाँ पर, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, पेरिटोनियम बोल दिए। ये क्या कर रही है, सिलोमिक फ्लूइड रिलीज कर रही है, इसमें फ्लूइड आ रहा है इस कैविटी में, तो इसको क्या बोलेंगे, दैट इज द सिलोमिक फ्लूइड। कौन रिलीज कर रहा था, इट इज रिलीज बाय द पेरिटोनियम लेयर और द इट इज रिलीज बाय द सिलोमिक एपिथेलियम, क्लियर है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिलोम इज फिल्ड विद द सिलोमिक फ्लूइड व्हिच इज सिक्रीटेड बाय द पेरिटोनियम, ओके। अब आते हैं इसमें एग्जाम्पल्स जो हमारे थे, दो कौन कौन से थे यूसिलोमेट में, एक हमने बोला था सीजोसिलोमिक और दूसरे जो थे इंटेरोसिलोमिक, उनकी बात करते हैं कैसे डेवलपमेंट होता है इसमें, ठीक है। तो पहला हेडिंग इसमें डालिए बेटा आप लोग सीजोसिलोमिक, पहला हेडिंग इसमें क्या डालोगे आप लोग, सीजोसिलोमिक। ठीक है, सीजोसिलोमिक कैसे इंडिविजुअल्स हैं और कैसे डेवलपमेंट होता है वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो साइजोसिलोम जो है या सीजोसिलोम है, इट डेवलप्स एज अ स्प्लिटिंग इन मिजोडर्म, ठीक है। जो मिजोडर्म है उसमें क्या होगा, स्प्लिटिंग होगा, और स्प्लिटिंग होने से वहां पर क्या होगा, डेवलप्ड हो जाएगा जो कैविटी, उसको हम लोग बोलेंगे सीजोसिलोमिक। पहले मैं बता चुका हूं आपको, जो प्रोटोस्टोम्स हैं एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, उनमें ये सीजोसिलोम देखने को मिलेगी, और जो एंटेरोसिलोम है वो इकाइनोडर्मेटा और जो है आपका हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं और एक डायग्राम के थ्रू हम लोग उस चीज़ को समझ लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर सीजोसिलोमिक में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा ये एक्टोडर्म है, ये क्या है, एक्टोडर्म है, ठीक है। और एक्टोडर्म के बाद यहाँ पर आप लोग देखो ये वाला पोर्शन जो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिजोडर्मल लाइनिंग, इसको मिजोडर्म बोल देंगे। और अंदर की तरफ जाएंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द एंडोडर्म, ठीक है, क्लियर है। और ये वाला जो पोर्शन है वो क्या, ल्यूमेन हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे हम लोग देखेंगे, यहाँ तो अभी कुछ बना नहीं है ऐसा, ये मिजोडर्म होगा, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, तीनों बनी है अभी, अभी कुछ नहीं बना है बाकी। यहाँ पे देखा हमने क्या हुआ, मिजोडर्मल का स्प्लिटिंग हुआ। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होगा, यहां पर हम लोग लिख लेंगे मिजोडर्मल स्प्लिटिंग, ठीक है। मिजोडर्मल स्प्लिटिंग में होगा क्या, तो यहां पे देखो आप लोग, फिर से यह डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें, इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा बाहर का जो एक्टोडर्म हो गया, ठीक है, ऐसा ही रहेगा एक्टोडर्म। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा था ये एक स्ट्रक्चर बनाया था सेंटर में, ये हमारा क्या था, ल्यूमेन था, और यहाँ पे एक लेयर हमने बनाया था जो इंडोडर्मल ओरिजिन की थी, ठीक है, इस तरीके से, और ये क्या था, ल्यूमेन था। अब मिजोडर्म में क्या होगा, मिजोडर्म स्प्लिट करेगी, स्प्लिट करेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, ये क्या करेगी, स्प्लिटिंग करना स्टार्ट कर देगी। तो स्प्लिटिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक तरफ वाली सेल्स इधर जाएंगी और दूसरी वाली तरफ वाली सेल्स उधर जाएंगी, तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर बीच में क्या हमको देखने को मिल रहा, अब स्पेस क्रिएट हो गया, ठीक है, बीच में क्या हो गया, स्पेस हो गया ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो यहाँ पर क्या होगा, मिजोडर्म का क्या हुआ, स्प्लिटिंग हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे मिजोडर्मल स्प्लिटिंग, क्या हो जाएगा, मिजोडर्मल स्प्लिटिंग। और मिजोडर्मल स्प्लिटिंग की वजह से क्या होगा, यहाँ पर देखो धीरे धीरे स्पेस बनने लगा, यहाँ पे कोई स्पेस था, इस वाले बीच में देखो नहीं स्पेस था, यहाँ पर देखो स्पेस आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है ना। अब और ये आगे जाके और डेवलप होगा, जब और डेवलप होगा तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा और उसको हम लोग क्या बोल देंगे, दैट इज द सीलो, क्लियर है बेटा सभी को, समझ में आई बात। देख लेते हैं, बना लेते हैं इसके डायग्राम को। तो यहाँ पे देखिए आप, ये एक्टोडर्म हो गया बाहर का रीजन, इसको देख लो मैं और थोड़ा उसमें बना दे रहा हूं अच्छे से, ठीक है।
ठीक है। तो ये बाहर का जो लेयर हमने दिखाया है ये आपका क्या होगा, इट इज द एक्टोडर्म। तो इसको हम एक्टोडर्म लिख लेंगे, ठीक है। पूरा नहीं मैं बना रहा हूँ, पूरे में ऐसे ही प्रेजेंट होगा, ठीक है, एक्टोडर्म हो गया। उसके बाद जब हम अंदर की तरफ जाएंगे, जो मेसोडर्मल स्प्लिटिंग हुआ था उसकी बात करेंगे, तो मेसोडर्मल स्प्लिटिंग के केस में हमने क्या देखा, यहां पर जो लेयर थी उसका फॉर्मेशन हुआ और बीच में स्पेस उसने बना दिया। तो यहां पे आप देखो, ठीक है, तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहां पर देखो आप लोग, ये जो स्पेस है, मेन बात ये है, ये क्या है आपका, ये सिलोम है, ठीक है, ये सिलोम बन गया, स्प्लिटिंग हुआ, बढ़ता चला गया और इसने क्या किया, एक स्पेस बना लिया, दैट इज द सिलोम, ठीक है। दूसरा आप लोग देखो, ये आके इसमें मिल गया, ठीक है, ये वाला लेयर, ये हम लोग बोल सकते हैं, ये वाली जो लेयर देख रहे हो ना, एपिथेलियल लेयर, ये वाली, इनको बोल सकते हैं सिलोमिक एपिथेलियम या पेरिटोनियम, और यही क्या करेंगी, दे रिलीजेस द, ये क्या रिलीज करेंगी, दे रिलीजेस द सिलोमिक फ्लूइड, ठीक है। तो सिलोमिक फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैविटी में जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें फ्रिक्शन होता है तो उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। दूसरा आप देखो, यहाँ पर जो बीच वाला पोर्शन है, ये आपका मेसोडर्म हो गया, ये मेसोडर्म लाइनिंग हो गया पूरा, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या है, मेसोडर्म लाइनिंग। और मेसोडर्म लाइनिंग किसका है, मेसोडर्मल लाइनिंग किसका है, मेसोडर्मल लाइनिंग है कैविटी का, ये कैविटी है, इसमें देखो मेसोडर्मल लाइनिंग है, और आगे जब अंदर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोडर्म, ठीक है। और एंडोडर्म के बीच में इसमें हम लोग देखेंगे ये क्या है, गट का ल्यूमेन है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से साइजोसिनोमिक इंडिविजुअल बनते हैं। एग्जांपल इनके बेटा हमने पहले बताया था, है ना, ऐसे याद रखो आप लोग, साइन या साइनिंग आर्म, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, साइन मतलब सीजो, ठीक है, इसका ये ले लेते हैं, साइन मतलब सीजो। ए फॉर हमने बताया था क्या है आपका, एनेलिडा। ए फॉर हमने क्या बोला था, आर्थ्रोपोडा। और एम फॉर हमने क्या बोला था, मोलस्का। या हम लोग बोल सकते थे इन तीनों को मिला के हम लोग क्या बोल रहे थे, प्रोटोस्टोमिक। और प्रोटोस्टोमिक क्यों बोल रहे थे, क्योंकि उनमें पहले क्या डेवलप हो रहा था, माउथ, इनमें सबसे पहले क्या डेवलप होगा, माउथ, और उसके बाद एनस डेवलप होगा। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोस्टोमिक बोलेंगे। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, कुछ टफ नहीं, बहुत ईजी है, आपको बस आम याद रखना है। कैसे आम याद रखने हैं, साइनिंग आम याद रखने हैं, जो चमकते हुए आम है। साइनिंग आम का मतलब क्या है, सीजो, ठीक है, और आम मतलब जो है आपका क्या है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, वो कौन सा है आपका, एंटेरोसिलोमिक। तो नोट करिए आप लोग, नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक है हमारा वो हम लोग कौन सा डिस्कस करेंगे, एंटेरोसिलोमिक। एंटेरोसिलोमिक में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर आउट पाउचिंग होगा मेसोडर्म का, और उसके वजह से क्या होगा आपका, फॉर्मेशन होगा जो है सिलोम का। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, एक बात लिखना है हमें यहाँ पर, या समझना है उसको क्या है, कि जो मेसोडर्म अराइजेस फ्रॉम द वॉल ऑफ एम्ब्रियोनिक गट और एंटेरॉन, वॉल जो एम्ब्रियोनिक गट का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटेरॉन बोलते हैं। तो मेसोडर्म जो होगा अराइज होगा कहाँ से, जो एम्ब्रियोनिक गट है वहाँ से अराइज होगा, ठीक है, और वो क्या होगा, एज अ हॉलो आउटग्रोथ की तरीके से और जो है अराइज होगा, ठीक है, और आगे जाके ये क्या करेगा, एंटेरोसिलोम बना लेगा, ठीक है। तो इसको हम अगर यहाँ पर डिस्प्ले करें जो है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कि द मेसोडर्म अराइजेस फ्रॉम द मेसोडर्म अराइजेस फ्रॉम द, कहां से, वॉल ऑफ किसकी, एम्ब्रियोनिक गट, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटेरॉन, ठीक है, एम्ब्रियोनिक गट जो होगा उसको क्या बोलेंगे, एंटेरॉन, ठीक है। तो जो है ये क्या होगा हमारा, एम्ब्रियोनिक जो मेसोडर्म अराइज होगा फ्रॉम द वॉल ऑफ एम्ब्रियोनिक गट और एंटेरॉन, एज यहां पर लिख लेंगे लोग, एज हॉलो आउटग्रोथ, ठीक है, हॉलो आउटग्रोथ या आउट पाउचिंग भी बोल देते हैं, ठीक है, आउटग्रोथ विच फॉर्म्स द एंटेरोसिलोम। ये थोड़ा एडवांस टाइप का सिलोम है जो हायर इंडिविजुअल्स में पाया जाएगा, इकानोडर्मेट, सेमी कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, ठीक है।
अब देखो इसमें कैसे बनेगा ये, उसकी हम लोग डिस्कशन करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, एक जो है स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर क्या है, तीन लेयर हैं, रफली मैं बनाया दे रहा हूँ यहाँ पर फिर से। ये एक्टोडर्म था, ठीक है, यहाँ पर ये हम लोग बोल रहे थे मीजोडर्म, ठीक है, और इसके बाद इंटरनली हम लोग देख रहे थे ये वाला जो पोर्शन था इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, ये क्या था हमारा एंडोडर्म, समझ में आई बात, और ये क्या था हमारा गट का ल्यूमेन, ठीक है। अब शुरुआत में डेवलपमेंटल टाइम पे क्या होगा, देखो यहां पे जब डेवलपमेंट हो रहा होगा, ठीक है, तो यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ये तीनों जर्म लेयर्स होंगी। अब क्या हुआ, इनमें आउट ग्रोथ निकली, आउट पाउचिंग हुआ, कहां पर, जो गट था, जो यहां पर गट है ना, ये वाला, ये गट वाल ना मैंने बताया यहां पर, इसका आउट पाउचिंग हुआ, यानी कि मीजोडर्म जो था उसका पाउचिंग हुआ, और वो उस पाउच को हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर द इंटेरोसिलोमिक पाउचेस, ठीक है। तो यहां पे आप देखो ये एक्टोडर्म हो गया, ठीक है, मीजोडर्म हो गया, तो मैं बना नहीं रहा हूं, आप लोग पहले ही बना चुका हूं मैं। अब देखो आगे क्या होगा यहां पर, ठीक है, फिर से वही स्ट्रक्चर हमें बनाना है, एक्टोडर्म बाहर की तरफ, ये एक्टोडर्म हो जाएगा, ठीक है, सारे में एपिथेलियल सेल्स होंगी, तो एक्टोडर्म हो गया हमारा, ठीक है। एक्टोडर्म के बाद में हम लोग देखेंगे अंदर की तरफ बढ़ेंगे, तो यहां पर जो गट वाल होगा, ये गट वाल जो है ना, इसका जो क्या हो जाएगा, आउट पाउचिंग हो जाएगा कुछ इस तरीके से, समझ में आया, क्या हो जाएगा, आउट पाउचिंग हो जाएगा। तो ये हम लोग देखेंगे यहां पर इस तरीके से, यहां पर भी एपिथेलियल लेयर्स प्रेजेंट होंगी, हो गया आउट पाउचिंग, समझ में आई बात, जो आउट पाउचिंग होगा, ठीक है, आउट पाउचिंग की वजह से क्या होगा वहां पर, यहां पर लिख सकते हो आप लोग मीजोडर्मल आउट पाउचिंग, क्या बोलेंगे, मीजोडर्मल आउट पाउचिंग, या इसको हम लोग बोल देते हैं एंटेरोसिलोमिक पाउच, क्या बोल देंगे, एंटेरोसिलोमिक पाउच, ठीक है। तो एंटेरोसिलोमिक जो पाउच होंगे वो यहां बाहर निकल आएंगे, ठीक है, जब बाहर निकलेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, आगे जाके ये क्या करेंगे, धीरे धीरे एक्सपैंड होंगे और ये क्या करेंगे, कैविटी बना देंगे, ठीक है। तो आगे जाके यहां पर इस तरीके से फिर से स्ट्रक्चर वैसा ही देखने को मिल जाएगा, ये कैविटी देखने को हमें मिल जाएगी और इसमें सिलोमिक फ्लूइड भरा होगा। तो ये दूसरी तरीके से आउट पाउचिंग होता है और इसमें हम लोग इसको बोलते हैं एंटेरोसिलोमिक टाइप ऑफ इंडिविजुअल। एग्जाम्पल्स बेटा यहां पर हमको देखने हैं, कौन से हैं आपके, इकाइनो डर्मेटा, है ना, पूरा लिख लो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। इकाइनो डर्मेटा के बाद में दूसरा हेमिकॉर्डेटा, और हेमिकॉर्डेटा के बाद में कौन सा होगा दूसरा, आपका कॉर्डेटा, ठीक है, क्लियर है सभी को। तो तीन तरीके के जो फाइलम है, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ये तीनों फाइलम जो है वो किसमें आएंगे, एंटेरोसिलोमिक में आएंगे, या इनको हम लोग क्या बोल रहे थे, ड्यूटेरो स्टोमिक, ओके। तो सिलोम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चंस यहां से कैसे बनते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल आपको जो है ऑप्शन दे देंगे, इधर देखते हैं हम लोग, कहेंगे मैच, ठीक है, मैच कैसे करना है आपको, जैसे बोल देंगे सीडोसिलोम, ठीक है, क्या बोल देंगे, सीडोसिलोमिक, उसके बाद बोल देंगे आपका सीजोसिलोमिक, और उसके बाद एंटेरोसिलोमिक, और उसके बाद बोल सकते हैं कि एसिलोमिक, इनको मैच करना है हमें। और यहां पर इन्होंने बोल दिया कि ये आपका वन है, ठीक है, ये आपका टू है, ये थ्री है आपका, ठीक है, और ये फोर, ठीक है, इस तरीके से यहां पर आपको दे देंगे इनके सामने इंडिविजुअल्स, जैसे एग्जाम्पल्स देंगे यहां पर, देखो अब इसको घुमाएंगे कैसे क्वेश्चंस को, कुछ ऐसा है नहीं, अगर आपको उनके पर्टिकुलर नाम याद हैं तो आप कर लोगे। जैसे मान लो हमने देखा यहां पर दिया इन्होंने ए, ठीक है, ए में दिया, ए में ऑप्शन क्या दिया आपको, बोल दिया एस्कैरिस,
क्या बोला? एस्कैरिस। उसके बाद इन्होंने दे दिया ऑप्शन यहां पर बी। बी में इन्होंने बोल दिया कि स्टारफिश, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दे दिया आपका एग्जांपल अमीबा, ठीक है, या कुछ भी दे सकता है, ठीक है, पोरिफेरेंस दे सकता है, ठीक है, सिलेंटेटा दे सकता है। और डी में इन्होंने दे दिया ऑप्शन आपका पाइला। अब बोला कि आप इनको सही से मैच करो जो इनके स्ट्रक्चर हैं। ये मैं क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बच्चों ने बोला कि सर हमें कुछ आइडिया नहीं है आप किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनको भी जरा बता दिया करिए। तो मैं एक एक एग्जांपल जो है एक तरीके से कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, आई होप अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो जब यहाँ पर हमने बोला कि ये सारा आपको मैच करना है, तो इसमें अब ऑप्शन ए दे देंगे, फिर ऑप्शन बी दे देंगे, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, चार ऑप्शन देंगे। ऑप्शन ए में हमने मान लिया यहाँ पर ए को मैच करा रहे हैं, ये बी को मैच करा रहे हैं दूसरे को, और उसके बाद तीसरा मैच करा रहे हैं ये, ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे, और उसके बाद आपका चौथा ये, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब इनको हमें भरना है। अब ऐसे ही यहाँ पर फिर से हम लोग देखेंगे सेकेंड, इस तरीके से आंसर करेंगे हम लोग, इस तरीके के क्वेश्चंस दिए होंगे आपको, ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर आपका बी और उसके बाद डी, ठीक है, इसमें एक आंसर सही होगा। तो बी में हम फिर से लिख लेंगे 1, 2, 3 और उसके बाद आपका 4, ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी लिख लेंगे 1, 2, 3 और 4। तब तक आप लोग सॉल्व करिए इसको, ठीक है, मैं कर रहा हूँ, है ना। मैंने पहला, आप सॉल्व करते रहिए इसको, मैंने पहला ऑप्शन दिया यहाँ पर ए बी सी डी, फिर मैंने ऑप्शन दे दिया डी ई और उसके बाद जो है आपका ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पर सी, फिर ए, ठीक है, फिर आपका सेकंड का डी, फिर थर्ड का बी, ठीक है, और दूसरा हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर सी ए बी डी, ठीक है। तो आंसर आप लोगों को मिल गया होगा, आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि अमीबा कैसा है, वो तो है ही नहीं, कुछ खत्म है कहानी, तो वो एसिलोमेट होगा, सिलोमिलोम तो प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसको हम लोग इससे मैच करा देंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखो सीडोसिलोमिक, सीडोसिलोमिक हम लोग किस में पढ़ते हैं, एस्केलेमेंथ में, और एस्केलेमेंथ हमारा कौन है, एस्कैरिस है, तो एस्कैरिस को इससे मैच करा दिया हमने। उसके बाद सीजोसिलोमिक आ जाओ, सीजोसिलोमिक में हमने देखा यहाँ पे क्या होगा, सीजोसिलोमिक में मोलस्का आएंगे, या तो कौन आएगा आपका जो है अर्थोपोडा या एनिलिडा, तो यहाँ पर पाइला क्या है, ये मोलस्का है, ठीक है, तो इसको इससे मिला दिया हमने। और उसके बाद हमारा एंटेरोसिलोमिक स्टारफिश, ये क्या है, इकाइनोडर्मेटा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। तो हमने देखा पहले का कौन सा सही है, ए, दूसरे का कौन सा सही है, डी, और तीसरे का कौन सा सही है, बी, एंड फोर्थ का कौन सा सही है आपका, सी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, समझ में आई बात। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और भी कई तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोग जो प्रॉपर मॉड्यूल में क्वेश्चंस दिए होंगे उनको सॉल्व करने को आपको मिलेगा। अभी आप लोग थोड़ा बहुत इधर उधर से क्वेश्चंस करते रहिए, ठीक है, तो नोट करिए इसको, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक।